नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्र के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अखिलेश त्रिपाठी आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ पॉलिटी के नए अवतार को लेकर के, नए रूप को लेकर के। आज से हम पॉलिटी को एक नए तरीके से पढ़ेंगे। साथियों, आपने मुझे हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हुए देखा है, मुझसे आपने पढ़ा है, और अब फिर से मैं उसी विषय को आपके सामने रख रहा हूं। तो आपके मन में एक प्रश्न आना स्वाभाविक है कि सर, जब आप हमें वहां पर पढ़ा चुके हो तो अब हम आपसे यहां क्यों पढ़ें, और जब आपने वहां पर पढ़ा ही दिया है, पॉलिटी ही सर आपने ही पढ़ाई है, इसी विषय को पढ़ाया है, तो सर हमें यहाँ एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, इस प्रश्न का मेरे पास बहुत अच्छे से आंसर है। देखो, वहाँ जो मैंने पढ़ाया है वो आपको पूरा फैक्चुअल डेटा पढ़ाया है, ठीक है, फैक्ट को पढ़ाया है। क्योंकि ये जो क्लास है ये आपके देख ही रहे होंगे यूपी पीसीएस को टारगेट करेगी, और आपके आरओ यारो या इसके समकक्ष जितने भी एग्जाम हैं, जैसे आप में से बहुत सारे दोस्त बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भी टारगेट कर रहे हैं या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी टारगेट कर रहे हैं, तो आप अदर स्टेट पीसीएस को भी यदि टारगेट कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए ही है। यहां पर हम फैक्चुअल डेटा भी पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ेंगे। यहां पर हम उसकी नींव तक जाने का प्रयास करेंगे, उसके जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे, और ये समझेंगे कि आखिर ये चीज है तो क्यों है। अभी तक हम केवल और केवल क्या पढ़ रहे थे दोस्त, अभी तक हम केवल ये पढ़ रहे थे क्या, अब हमें इसमें क्या भी पढ़ना है, और याद रखना क्यों भी पढ़ना है। क्यों का मतलब, जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम संविधान पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए। अब यदि संविधान है तो संविधान को पढ़ रहे हैं, लेकिन संविधान क्यों है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम इन दोनों प्रश्नों को साथ लेकर के अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सभी जो अभी तक नोट्स नहीं बना रहे थे, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। पहले हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की, और आप में से बहुत सारे दोस्त संविधान जानते ही हैं, संविधान कहते किसे हैं, संविधान है क्या, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। संविधान सबके लिए एक जैसा विधान हो, समान विधान हो, सबके लिए एक जैसा कानून हो, उसे अपन नाम देते हैं संविधान, ठीक है। सबके लिए एक जैसे कानून का निर्माण करना, किसी के साथ भेदभाव ना करना, या इसकी दूसरी भाषा भी हम कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा भी हम देखेंगे कि किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिस कानूनी दस्तावेज का प्रयोग करते हैं उसे हम संविधान के नाम से जानते हैं, ये भी एक परिभाषा। ऐसी कई परिभाषाएं आप अपने तरीके से निर्माण कर सकते हैं, आप अपने तरीके से बना सकते हैं, बस ऐसे समझ जाओ कि संविधान एक ऐसा विधान है, एक ऐसे कानूनों का संग्रह है, एक ऐसा डेटा है जहां पर आपको एक डिसिप्लिन में रहने की या एक नियमबद्ध तरीके से चलने की आज़ादी देता है कि आप अपने जो नियम हैं उनको, नियमों को समझिए और फिर अपने जीवन को जिए, अपने स्वतंत्रता को बनाए रखिए। तो सर एक प्रश्न है मेरे दिमाग में, पहले मुझे ये बता दीजिए कि सर ये जो शब्द आप बता रहे हो संविधान, ये आया कहाँ से है सर? ये संविधान शब्द जो है, आखिरकार संविधान आया कहाँ से, सबसे पहले किसने संविधान बनाया? सर हम तो पढ़े हैं कि सबसे पहले अमेरिका के संविधान, अमेरिका ने ही संविधान बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया, जिसे हम लिखित संविधान के रूप में जानते हैं। और सर अमेरिका से भी पहले हमने पढ़ा था कि यूके यानी ब्रिटेन के संविधान को हम सबसे पहले मानते हैं, कि संविधान बनाने वाला जो पहला देश है सर वो ब्रिटेन है, जिसने अनरिटन संविधान को बनाया है, अलिखित संविधान को बनाया है। तो क्या सर इसके पहले भी किसी ने संविधान बनाया? तो बिल्कुल दोस्तों, देखिए ऐसा माना जाता है कि एक राजा था या एक सभ्यता थी, बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत पहले इंडस वैली के लगभग में एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया, ठीक है। इसी मेसोपोटामिया सभ्यता के आज से हम लोग 2500 साल पहले की बातें कर रहे हैं। तो इस समय एक राजा हैं यूरुकगिना,
एक राजा है जिनका नाम है यूरू कगिना। अब यूरू कगिना के बारे में कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि ये मेसोपोटामिया से हैं, और कुछ लोगों का यूरू कगिना को लेकर के मानना यह है कि यूरू कगिना का साम्राज्य जो आज हमारा यूगोस्लाविया वाला क्षेत्र है, इस यूगोस्लाविया वाले क्षेत्र में हुआ करता था। यूगोस्लाविया इस वाले क्षेत्र में हुआ करता था, यूगोस्लाविया वाले क्षेत्र में। तो यूरू कगिना के संबंध में ये दो स्टेटमेंट हैं दोस्तों, पहला तो है मेसोपोटामिया को लेकर के, दूसरा है यूगोस्लाविया को लेकर के। तो यहाँ पर माना जाता है आज से हम 2500 वर्ष पहले यहाँ पर एक संविधान बनाया गया था, यहाँ पर एक संविधान लिखा गया था, यहाँ पर दुनिया का पहला संविधान लिखा गया था। अब एक नई बात पता चली होगी आप लोगों को शायद, कि हम तो सर अमेरिका को पढ़ते थे, ये आपने नया शब्द ला दिया है कि यहाँ पर दुनिया के पहले संविधान की स्टार्टिंग होती है। तो घबराइए मत, अभी भी हम अमेरिका के संविधान को ही पहला संविधान मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो यहाँ का संविधान था वो आज के जैसा संविधान नहीं था। यहाँ ये जो संविधान लिखा गया था वो किसी एक दस्तावेज में नहीं था, बल्कि किसी एक पुस्तक में नहीं था, बल्कि कई अलग अलग दस्तावेजों में था, कई अलग अलग पुस्तकों में था। जैसे आपने सुना होगा माँ हिस्मति, मेरा वचन ही है मेरा शासन, है ना। तो ये जो वचन जिनका होता था ना, वो अपने लिए अलग से किताब लिखवा देता था। आज इनका वचन है तो इन्होंने अपनी किताब लिखा दी, दूसरे का वचन है तो दूसरे ने अपनी किताब लिखा दी। तो ऐसा कई सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है कलेक्शन था। इस कारण से इतिहासकारों ने इसे या संविधानविदों ने इसे संविधान की श्रेणी में नहीं रखा है, लेकिन माना यहीं से जाता है। अब चूंकि ये हटा दिया गया है, संविधान की सूची से बाहर हो गया है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न भी अभी तक तो नहीं पूछा गया है। लेकिन यदि भविष्य में कभी आपसे कोई इस मैटर पर चर्चा करें तो मैंने आप लोगों को इस जानकारी दे दी है, उम्मीद है कि आपके काम आएगी। तो यहाँ पर ये कहानी बनती है दोस्तों, ठीक है, ये कहानी बनेगी। अब इसके पहले हम ये देखेंगे कि सर जो हमारा संविधान है, सर ये संविधान है क्या? तो संविधान को आप दो पार्ट में देखते हैं। एक तो संविधान वो होता है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये कई डॉक्यूमेंट्स में है, तो कौन जो है एक ही डॉक्यूमेंट्स में होगा उस संविधान को क्या कहेंगे, और जो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में होगा उस संविधान को क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार का संविधान होगा, लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान, रिटन एंड अनरिटन संविधान। और यहाँ दूसरी कैटेगरी में हम लोग देखेंगे वह संविधान जिसे हम नम्य कहेंगे और दूसरा अनम्य कहेंगे, नम्य संविधान एवं अनम्य संविधान। लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसका एक ही डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे आज हमारे देश भारत में है तो भारत के संविधान की एक ही किताब है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी किताबें हों, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, केवल एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही किताब है। तो जहाँ पर एक ही पुस्तक हो, एक ही डॉक्यूमेंट्स हो, उस देश के संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका दुनिया का वह देश है, पहला देश है जिसने संविधान को लिखवाया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा देश, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये भी लिखित संविधान का उदाहरण है। और वह देश जहाँ के संविधान को किसी एक डॉक्यूमेंट्स में ना लिखा गया हो, बल्कि जैसे समय पर जरूरत पड़ी उस जरूरत के अकॉर्डिंग संविधान लिख लिया गया, तो ऐसे संविधान को हमने अलिखित संविधान की श्रेणी में डिवाइड किया है। ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं, अनरिटन संविधान कहते हैं। और ये अनरिटन संविधान का उदाहरण जैसे हम देखेंगे इजराइल हो जाएगा, है ना, और ब्रिटेन हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन को ही हम दुनिया का संविधान बनाने वाला पहला देश मानते हैं, और अलिखित संविधान का भी ये पहला देश है, ठीक है। अब नम्य संविधान, नम्य मतलब होता है कि जिसमें आसानी से सुधार हो जाए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे कोई गलती हो जाए ना तो तुरंत सॉरी बोल देते हैं कि आई एम सो सॉरी बोल देते हैं कि भैया मुझसे गलती हो गई और अब मैं प्रयास करूँगा कि मुझसे गलती ना हो। जैसे लड़के और लड़के देखे होंगे, खासकर बॉयज में यदि कोई मैटर हो जाता है ना तो लड़के आराम से सॉरी बोल देते हैं। अब वहीं कहीं गर्ल्स की बात आ जाए तो गर्ल्स तो इतनी आसानी से जो है सॉरी नहीं बोलेंगी, समझ रहे होंगे शायद आप मेरी भावनाओं को। तो जो आराम से सॉरी बोल दे वो नम्य है, और जो आराम से सॉरी ना बोले अनम्य है, ठीक है। अनम्य मतलब कठोर।
तो नम का मतलब यहां पर हो जाएगा वह संविधान जिसमें आसानी से सुधार कर दिया जाए, जिसमें आसानी से परिवर्तन कर दिया जाए, उसे नम संविधान। आप जब यूकेजी कक्षा में पढ़ते थे, जब आप एलकेजी कक्षा में पढ़ते थे, तो आप जो है उस समय या तो पेंसिल का प्रयोग करते होंगे, और यदि आप 90 के दशक के जन्मे हैं तो आपने जरूर जो है चौक का प्रयोग किया होगा, या वो बत्ती आती थी लिखने वाले, है ना, और एक स्लेट हुआ करती थी, उसका प्रयोग किया होगा। तो वहाँ पर जब मास्टर साहब आपको इमला पढ़ाते थे कि लिखो राम बाजार जाता है ना, कुछ ऐसा होता था, और फिर वहाँ पर ये भी होता था कि बहुत सारे वर्ड लिखा जाते थे। अब मान लो आपने कुछ वर्ड लिखा, वहाँ पर आपसे बोला गया, मास्टर साहब ने आपको बोला कि आप लिखिए सवेरा, आपने आपसे बोला कि लिखिए सवेरा, और आपने सवेरा को लिख दिया सेवरा या सेवरो, कुछ भी लिख दिया, ये लिख दिया आपने सवेरा को सेवरा, तो गलत लिख गया ना। तो इसमें हमें क्या करना है, आराम से अब मिटाना होगा। अब चूंकि हमने पेंसिल का प्रयोग किया है या चौक का प्लेट किया है, प्रयोग किया है, तो हम ऐसे, जैसे मैं यहाँ हाथ से मिटा रहा हूँ ना, ऐसे हाथ से मिटा देते होंगे आप। तो ये क्या हो गया, साधारण संशोधन, मतलब जिसमें आराम से परिवर्तन कर दिया जाए, जिस संविधान में आराम से परिवर्तन हो जाए, उसे नम्य संविधान कहते हैं। अब चूंकि आप जब क्लास में आए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे आए, तो आपने पेंसिल की बजाय अब पेन पकड़ लिया, स्याही वाला पेन, और यदि आपने लिख दिया सेवरा, तो फिर अब आसानी से नहीं मिटेगा। अब मिटाने के लिए आपको अलग प्रकार का केमिकल चाहिए होगा, अन्यथा तो मिटेगा ही नहीं। वहाँ पर आप जो है ऐसे ऐसे कर दोगे, हटा दोगे उसको, ताकि लिखा ही ना दिखे, और जो है फिर उसी के बगल में दूसरा शब्द लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनम, कठोर हो जाएगा अब, ठीक है। तो ऐसे संविधान, ऐसे संविधान जिनमें आराम से सुधार हो जाए, वो नम्य संविधान कहलाते हैं, वो लचीला संविधान कहलाता है, और ऐसे संविधान जिसमें आराम से सुधार ना हो, वो कठोर संविधान कहलाता है, ठीक है, लचीला या कठोर। अब इसको हम एक टेक्निकल भाषा में समझते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। नम्य संविधान का मतलब, जब कभी कोई सुधार हमें संसद में संविधान में करना हो, और संविधान में सुधार करने के लिए उसे हम लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करा लेते हैं, और हमने राज्यसभा में भी साधारण बहुमत से पारित करा लिया, तो जब दोनों सदन साधारण बहुमत से पास कर देंगे संविधान संशोधन विधेयक को, तो इसे कहते हैं नम्य संविधान। इसे क्या बोलेंगे, नम्य संविधान। अब अनम्य संविधान, जब हम लोकसभा में भी विशेष बहुमत यानी दो तिहाई बहुमत से पास कराएंगे, राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से पास कराएंगे, और ना केवल इन दोनों सदनों में, बल्कि इन्हें हम पास कराने के लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल में भी पास कराएंगे विशेष बहुमत से। तो ऐसे संविधान संशोधन को हम कठोर संविधान कहते हैं, या कठोर संविधान संशोधन कहते हैं। तो चूंकि नम्य संविधान जिसमें आराम से संशोधन हो जाए, अर्थात संसद साधारण बहुमत के माध्यम से सुधार कर दे, तो ये नम्य संविधान, और संसद जब दो तिहाई के बहुमत से सुधार करे, उसमें भी राज्यों का इन्वॉल्वमेंट ले, तो ऐसे संशोधन को हम कठोर संविधान संशोधन कहते हैं। अब यहां पर नम्य संविधान कहां का होगा, ब्रिटेन का, क्योंकि यहां पर जैसी परंपराएं बदलती हैं, यहां पर संविधान में संशोधन हो जाता है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान होगा, अमेरिका का संविधान कैसा हो जाएगा, कठोर संविधान का उदाहरण होगा। सर भारत का संविधान कैसा है, यहां तो हमने पढ़ लिया कि लिखे थे, भारत का संविधान लचीला है या कठोर है, तो भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में जब हमें कभी राज्यों का निर्माण करना हो, ठीक है, राज्यों को बनाना हो, उनकी सीमा में परिवर्तन करना हो, तो संसद बड़े आराम से संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुसूची एक में परिवर्तन करने के लिए उसे यहां तक कि जिस राज्य की बाउंड्री में परिवर्तन किया जा रहा होगा, उससे भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो संसद ऐसी स्थिति में बड़े आराम से संशोधन कर पा रही है, तो ये तो बड़ा सरल संविधान संशोधन होगा। लेकिन यदि मान लो कभी हम भाषा के लिए बात करेंगे कि हमें भाषा को बदलना पड़ जाए अपने संविधान में, हमें किसी दूसरी भाषा को राजभाषा का दर्जा देना पड़ जाए, या हमें आरक्षण के मुद्दे को लेकर के किसी प्रावधान पर परिवर्तन करना पड़ जाए, तो ये संशोधन तभी हो पाएंगे जब संसद में भी विशेष बहुमत पारित होगा और राज्यों में भी विशेष बहुमत पारित होगा, और आधे से अधिक राज्यों का इसमें बहुमत भी चाहिए है। तो ऐसी स्थिति में अब ये क्या हो जाएगा, कठोर संविधान संशोधन होगा। तो भारत में नम्य संविधान का भी उदाहरण है और अनम्य संविधान का भी उदाहरण है, इसीलिए भारत के संविधान को संविधान निर्माताओं ने
कठोर एवं लचीलेपन का उदाहरण माना है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान ना तो अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है, ये बल्कि लचीले और कठोरता के बीच का एक मिश्रण है, एक बीच का भाग है, ना बहुत ज़्यादा कठोर ना बहुत ज़्यादा लचीला। तो ये होते हैं दोस्तों संविधान। हमने इनको भारत के संदर्भ में और देश दुनिया के संदर्भ में पढ़ लिया, समझ लिया। सर इतना तो समझ में आ गया कि संविधान क्या है, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया सर, लेकिन एक चीज़ बताओ सर, एक क्वेश्चन है सर मेरे माइंड में। अच्छा, मैं एक काल्पना स्टूडेंट मानता हूँ, एक काल्पनिक स्टूडेंट को, ठीक है, मान लो ये मेरा काल्पनिक एक स्टूडेंट बैठा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये है मेरा काल्पनिक स्टूडेंट, और इसका नाम मैंने रखा है गंगाधर, ठीक है, ये मेरा काल्पनिक स्टूडेंट रहेगा गंगाधर, और ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा आपके इस पॉलिटी विषय, आप चूंकि आप तो मुझसे पूछ नहीं पाओगे, तो मैंने अपने काल्पनिक स्टूडेंट बैठा दिया है गंगाधर को, ये मुझसे पूछेगा, और इसने मुझसे पूछा कि गुरुजी एक बात बताओ, गंगाधर बोला मुझसे कि गुरुजी एक बात बताओ कि ये जो आप पढ़ा दिया हमें, मुझे बता दिया कि सर ये संविधान क्या है, तो गुरुजी एक बात तो समझ में आ गई कि ये संविधान क्या है, बहुत अच्छे समझ लिया गुरुजी मैंने कि लिखित क्या है, अलिखित क्या है, नम क्या है, अनम क्या है, लेकिन गुरुजी एक बात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या बोलो गंगाधर, तो गंगाधर ने कहा कि गुरुजी ये तो बता दो कि संविधान की डिमांड कहां से हुई, दुनिया में कहां से हुई और भारत में कहां से हुई। मैंने कहा गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो गंगाधर एकदम जो है खुश हो गए, बोले यार अब तो जो है गुरुजी को लगता है मैंने फंसा दिया। मैंने कहा सुनो गंगाधर, फिर गंगाधर मैंने कहा गंगाधर 1895 में एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया भारत में, स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया भारत में, और ये स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था तिलक के द्वारा। तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक को प्रस्तुत किया, और इसी स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बार भारत में संविधान सभा की मांग की गई, संविधान सभा की मांग की गई। जैसे ही मैंने इतना बोला गंगाधर हंसने लगा, बोला गुरुजी आप तो संविधान सभा बताने लग गए, मैंने तो संविधान के बारे में पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि संविधान पहले कहां लिखा गया है, किसने डिमांड करी भारत में। तो मैंने कहा गंगाधर थोड़ी सा वेट कर लो बेटा, हम उसी पर आने वाले हैं। तो संविधान सभा की डिमांड कब करी गई, 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से तिलक के द्वारा लाए गए जो विधेयक थे। लेकिन हमारे देश में संविधान सभा तो ये थी, क्योंकि संविधान सभा इसलिए यहां पर हम डिमांड कर रहे हैं गंगाधर, क्योंकि अब हम लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करने वाले थे। इसके पहले जो हमारे देश की पद्धति थी वो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, और राजतंत्री में सभा नहीं होते थे, राज दरबार होते थे गंगाधर। तो गंगाधर को अब बात समझ में आई कि गुरुजी आपने तो एकदम सही कॉन्सेप्ट जोड़ दिया। मैंने कहा और सुनो गंगाधर, हमारे देश में पहली बार जो विधि निर्माण की करी गई थी वो तब करी गई थी जब दुनिया के देशों को ये पता भी नहीं था कि विधि निर्माण किया कैसे जाता है, तब हमारे देश में विधि का निर्माण किया गया था। अब गंगाधर की आंखें बड़ी बड़ी, गंगाधर कहता है गुरुजी ऐसा कब हुआ हमारे देश में। मैंने कहा गंगाधर हमारे देश में एक किताब लिखी गई थी बहुत पहले, मनुस्मृति, मनुस्मृति। मैंने कहा ये उस समय का संविधान था, उस समय की जो जरूरतें हैं। मनुस्मृति का इसलिए भी आज कुछ लोग विरोध करते हैं क्योंकि इसमें संशोधन करने की व्यवस्था नहीं थी, वो जो उस समय बना दिया गया था संविधान, जो उस समय रीति रिवाज या जो भी कानून उस समय के सामाजिक या जो समाज था उसको ध्यान में रखकर के जो चीज़ें बनाई गई थी वो यहाँ पर आज भी हमें देखना पड़ रहा है, और शायद इसमें परिवर्तन नहीं था इसलिए जो है इसमें हो सकता है कि आज इसका विरोध हो रहा है। लेकिन आज का जो हमारा संविधान है, संविधान निर्माता इस चीज को बहुत अच्छे से जानते रहे होंगे, तो उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया तो उसमें संशोधन करने की व्यवस्था भी डाल दी कि जैसे जैसे समाज बदलेगा सरकार अपने हिसाब से, समाज के हिसाब से, रीति रिवाज परंपराओं के हिसाब से इसमें संशोधन कर लेगी जैसी जरूरत होगी, इसमें जरूरत जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने कहा एक तो ये अपना संविधान हो गया, बोला गुरुजी इसमें मजा नहीं आया, कोई और दूसरा संविधान बताओ अपना। मैंने कहा और सुनो, फिर हमारे देश में एक राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे जिनका नाम था कौटिल्य या चाणक्य, कौटिल्य या चाणक्य। तो उन्होंने इसे एक संविधान यानी एक राजनीति पर आधारित पुस्तक है, तो ये वहाँ की या मौर्य काल का संविधान हम इसे कहेंगे,
क्योंकि मौर्य काल की सारी प्रशासन व्यवस्था शासन व्यवस्था इसी पुस्तक से चलती रही है। इसके अलावा हमारे देश में जो राजा महाराजा थे ना दोस्तों, ये बहुत टैलेंटेड थे, क्योंकि देश की शासन व्यवस्था को भी चलाना, जैसे एक राजा है, ये एक राजा है, तो ये राजा क्या करेगा, ये देश की शासन व्यवस्था को संभालेगा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना भी इसी का काम, ठीक है, जजमेंट देना भी इसी का काम, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना भी इसी का काम, सेना को देखना भी इसी का काम। तो एक राजा जो था मल्टी टैलेंट था, और इसके मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ एक जो राजा होगा, यही राजा हमें इतिहास में अपने संविधान लिखता हुआ भी दिखेगा। जैसे कई राजा होंगे, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल समझो, एक राजा थे जिनका नाम है उज्जैन महाजनपद के, उज्जैन महाजनपद में जिसे अपन अवंती महाजनपद के रूप में जानते हैं, अवंती महाजनपद, तो अवंती महाजनपद में एक बहुत अच्छे राजा हुए, न्यायप्रिय राजा थे, जिनका नाम है राजा भर्तहरि। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका नाम सुना होगा, राजा भर्तहरि। तो राजा भर्तहरि एक ऐसे राजा थे जिनके बारे में ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि ये अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे और जनता को बहुत चाहने वाले राजा थे। जितना जनता को ये चाहते थे, जनता भी इनसे अटूट प्यार करती थी, जनता भी इनको बहुत ज़्यादा चाहती थी। तो इन्होंने एक किताब की रचना करी दोस्तों, एक किताब की रचना करी, ठीक है, एक किताब की रचना करी जो इनकी किताब के रूप में जानते हैं हम, नीति शतक। अच्छा, इन्होंने कुल कितने शतक लगाए थे, तो इन्होंने कुल 3 शतक लगाए थे, है ना। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे कि इन्होंने 3 शतक लगाए थे, और तीनों शतकों की कहानी में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ क्या होगा कि इन्होंने चूंकि बहुत अच्छे राजा हैं, न्यायप्रिय राजा है, जनता बहुत पसंद करती है इनको, और ये अपनी जनता को भी बहुत पसंद करते थे, एक किताब लिख दी नीति शतक। अब चूंकि देखिए क्या होगा, जब राजा अच्छा होगा तो हर कोई प्रयास करेगा, हर कोई ये भगवान से प्रार्थना करेगा कि इनके महाराज को या अपने महाराज को एक लंबा जीवन आयु मिले, वो युगों युगों तक जीवन जीते रहें, ऐसी जनता की या जो उनकी प्रजा होगी उनकी इच्छा होगी। तो ऐसे ही अब चूंकि बहुत अच्छे राजा हैं, तो इनके पास शादी के रिश्ते भी बहुत आते थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिश्ते आते थे। तो एक रिश्ता आया, लड़की का नाम था पिंगला, ठीक है, और शायद वो उनकी तीसरी पत्नी थी पिंगला देवी, राजा भर्तहरि की। तो ये बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इतनी ज़्यादा सुंदर पत्नी थी इनकी, जैसी एक कल्पना करता है ना आज का युवा कि हमें इतनी सुंदर पत्नी मिली, उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर। अब सुंदर पत्नी मिली तो राजा भर्तहरि सुंदर पत्नी को पा करके, यहाँ पर एक कहानी आती है कि वो कुछ राजकाज को भूल गए, जो न्यायप्रिय राजा थे जिन्होंने नीति शतक बना दी थी कि आने वाले राजा इनकी इस किताब को पढ़ करके, इनके संविधान को पढ़ करके शासन करेंगे, वो ये सारी चीज़ें भूल गए और अपनी पत्नी में के प्यार में खो गए। अब हमारी पत्नी क्या पहन रही है, ठीक है, उसको लिखने लगे, कौन सी क्रीम लगाएगी तो अच्छी लगेगी, कौन सी साड़ी पहनेगी तो अच्छी लगेगी, तो मतलब एक तरीके से पूरा श्रृंगार श्रृंगार का वर्णन करने लगे। और श्रृंगार का वर्णन करते करते उन्होंने यहाँ पर भी एक शतक लगा दिया, जिसे आप जानते होंगे श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक लगा दिया दोस्तों, ठीक है, पत्नी की पूरा का पूरा जो है उन्होंने पूरा लिख दिया। जैसे आज जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स जिसके करना हो ना, तो यदि श्रृंगार शतक पढ़ लोगे तो आधा ब्यूटी पार्लर का कोर्स कंप्लीट। अब राजा बहुत प्यार करते थे, इसी बीच राजा भर्तहरि के दरबार में या राज्य में एक विद्वान आते हैं या एक गुरुदेव आते हैं, गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ आते हैं, और गुरु गोरखनाथ इनकी भक्ति से बड़े प्रभावित हुए, इनकी न्यायप्रियता से बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने गोरखनाथ जी ने एक फल दिया राजा को, और राजा को फल देकर कहा कि जब महाराज आप इस फल को खा लोगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप हमेशा जवान रहोगे, बूढ़े नहीं होंगे, और आप अपनी प्रजा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रजा का भला कर पाओगे। अब चूंकि महाराज को सबसे ज़्यादा लगाव किससे है, अपनी पत्नी पिंगला देवी से,
तो उन्होंने कहा कि यार मैं फल खा लूँगा तो मैं तो रहूँगा, लेकिन मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये फल किसको दे देना चाहिए? अपनी पत्नी को दे देना चाहिए। और वो गए, बढ़िया गिफ्ट दे दिया पत्नी को। पत्नी बड़ी खुश हो गई, बोले चलो ठीक है, ये फल हमें मिला। अब पत्नी एक्चुअल में राजा से प्यार नहीं करती थी, राजा को नहीं चाहती थी, वो अपने ही राज्य के प्रधानमंत्री जी को चाहती थी, ठीक है, प्रधानमंत्री को चाहती थी। तो वो फल किसको दे देगी? प्रधानमंत्री को, कि प्रधानमंत्री खुश रहे, प्रधानमंत्री जो है एकदम सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, जवान रहे। प्रधानमंत्री को जैसे ही फल मिला, तो प्रधानमंत्री राजा की पत्नी को नहीं चाहता था, रानी को नहीं चाहता था। वो जो है, यहाँ इस कहानी में उल्लेख मिलता है कि वो अपने ही राज्य की एक दासी को चाहता था, या कहीं जगह पर प्रमाण मिलता है कि वो एक वैश्या को चाहता था, जो भी हो। अब चूंकि दासी और वैश्या क्या है, जैसे वैश्या, तो वैश्या ने सोचा कि यदि मैं इस फल को खा लूंगी तो मुझे फिर से यही गंदा काम करना पड़ेगा पूरे जीवन भर, तो क्यों ना मैं ये फल जाके अपने महाराज को दे दूं, और महाराज हमारे राजा न्यायप्रिय हैं, वो जनता की सेवा ज़्यादा समय तक कर पाएंगे। तो दासी जो थी या वैश्या जो थी, ये खुश होकर राजा के पास पहुंच गई, राजा को फल दिया, उसकी जो है बड़वाई बताने लगी, उसके गुण का बखान करने लगी। राजा को तुरंत लगा कि यार ये फल तो मैंने यहाँ दिया था, यहाँ कैसे पहुँच गया। तुरंत जो है अपनी ED पहुँची, CBI पहुँची, IB पहुँची, तुरंत बैठाई गई, जानकारी निकाली गई, पिंगला देवी से पूछा गया, कोतवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा गया, सारा कुछ क्लियर हो गया। महाराज का जो प्यार था, उन्होंने कहा कि सब पूरी दुनिया बेवफा है, कुछ भी प्यार व्यार नहीं होता। और उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया, अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजपाट सौंप दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और एक और शतक लगा दिया, जिसे अपन नाम देते हैं वैराग्य शतक। तो इतिहास की दृष्टि में 3 शतक लगाने वाले हमारे राजा हैं राजा भर्तृहरि, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो अब यहाँ पर जो हमारा एक काल्पनिक स्टूडेंट है मेरा गंगाधर, बड़ा खुश हो गया, बोला गुरुदेव ये तो बड़ा मस्त कहानी बता दिए आप, अब तो मुझे ये 3 शतक लंबे समय तक याद रहेंगे, मैं तो कभी भुला ही नहीं पाऊंगा इन शतकों को। मैंने कहा गंगाधर बस ऐसे ही मेरी क्लास में जुड़े रहो, कुछ भी चीज़ें भूलेगी नहीं, ऐसी कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। गंगाधर खुश हुआ, बोला गुरुजी इसके आगे की कहानी बताओ और क्या हुआ। मैंने कहा अब सुनो गंगाधर, अब जब ये राजा महाराजाओं ने जो कहानी या जो संविधान लिखे, ये संविधान जो है उनके राज्य तक ही सीमित रहे, आगे आने वाले जितने भी राजा आएंगे वो अपने लिए अलग से लिखवाएंगे। जैसे जैसे अशोक ने आया तो अशोक ने अपने शिलालेख लिखा दिए थे, राजाज्ञाएं जो है जारी करवाई थी शिलालेखों के माध्यम से। ऐसे ही समुद्रगुप्त आएगा तो वो भी अपने राजाज्ञाएं जारी करवाएगा, अपने आदेश जारी करवाएगा। मैंने कहा कि जितने भी राजा आए सबने अपने अपने तरीके से अपने लिए संविधान लिखवाए, किसी ने दूसरे वंश के राजा के शासन को फॉलो नहीं किया, अपना खुद का शासन सत्ता लिखवाया। तो मैंने कहा ये कंटिन्यू चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और चलता रहा अंग्रेजों के आने तक। अंग्रेज आए, फिर मैं ले आया गंगाधर को वहीं पर 1895 तक। मैंने कहा गंगाधर 1895 में स्वराज विधेयक में पहली बार संविधान सभा की डिमांड करी गई। बोला गुरुजी ये तो भारत में की गई थी। मैंने कहा परेशान मत हो गंगाधर, सबसे पहली बार दुनिया में जो संविधान सभा की डिमांड करी गई थी वो ब्रिटेन में करी गई थी। पहली बार जो विश्व में संविधान सभा स्थापित करी गई विश्व स्तर पर, ब्रिटेन में, और 1895 में मांग जो करी गई, मांग करी गई वो भारत में करी गई, ठीक है, स्वराज विधेयक के माध्यम से। गंगाधर खुश हो गया, गुरुजी और आगे बताओ। मैंने कहा गंगाधर इसके बाद 1922 में, या इसके बाद हम देखेंगे 1895 के बाद, 1916 में हमारे यहाँ पर एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन। अच्छा, होम रूल लीग आंदोलन को हम लोग किस रूप में जानते हैं? घरेलू शासन। घरेलू शासन का अर्थ क्या होगा कि हम अपना शासन अंग्रेजों के भरोसे नहीं चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी शासन सत्ता हमारे हाथों में रहे और हम अपने तरीके से अपने देश की सत्ता को चलाएं, अपने देश की शासन सत्ता को संभालें, ठीक है। तो 1895 के बाद एक तरीके से हम जो स्वराज की डिमांड कर रहे हैं वो हमें 1916 में भी देखने को मिलेगी। 1916 में हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर हम डिमांड कर रहे हैं संविधान की इनडायरेक्टली। 1922 में गांधी जी डिमांड करेंगे संविधान सभा की, और गांधी जी यहां तक ये भी कह देंगे कि भारतीयों का जो संविधान होगा
भारत का संविधान, यहां पर ये स्टेटमेंट आएगा गांधी जी का, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। कौन डिमांड कर रहा है इस प्रकार की? 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा ये डिमांड करी गई, ठीक है। इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाई गई, और नेहरू रिपोर्ट में तो हमारा संविधान बनाकर ही तैयार कर दिया, भारत में पहला जो संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है, यह संविधान का दस्तावेज जो तैयार हुआ, पहला, इसे हम संवैधानिक दस्तावेज का नाम दे सकते हैं 1928 में, क्योंकि यही वो दस्तावेज है जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था इसमें। इसके अलावा माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों का उल्लेख किया गया, और इसी में भारत को एक डोमिनियन राज्य के रूप में दर्जा देने की भी मांग करी गई। तो ये पहला ऐसा दस्तावेज था जिसे हम एक संविधान के रूप में देख पाएंगे, कब? 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, ठीक है। इसके पहले तो डिमांड करी जा रही थी, बल्कि हमने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से तो संविधान ही बनाकर तैयार कर दिया, ये संविधान ही दे दिया। और इसमें कुछ लोग बताते हैं कि लगभग 321 आर्टिकल्स थे, 321 अनुच्छेद थे, तो ये बनाकर हमने 1928 में तैयार कर दिया। फिर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में पहली बार, साथियों, 1929 के इस अधिवेशन में पहली बार, जिसे अपन लाहौर अधिवेशन का नाम देते हैं, इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करी जा रही है, पूर्ण स्वराज की मांग। कांग्रेस ने फिर से पूर्ण स्वराज की मांग करी कि हमें स्वराज चाहिए, हमें अपना संविधान चाहिए, हमें अपना संविधान बनाने के लिए संविधान सभा चाहिए। तो ये डिमांड 1929 में करी गई। और इसके अलावा आप देखोगे 1930 की 26 जनवरी को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया, साथियों, पहला स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया है? 1930 में, 1930 में, 26 जनवरी 1930 को हमने इस पूर्ण स्वराज की मांग से प्रेरित होकर के स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब हमारी जो डिमांड थी वो संविधान को लेकर के, या संविधान बनाने को लेकर के, या संविधान सभा को लेकर के कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, साथियों। फाइनली 1936 में कांग्रेस का एक और अधिवेशन होता है, फैजपुर अधिवेशन बोलते हैं जिसे, फैजपुर अधिवेशन। और इस फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड उठाई कि जो हमारी संविधान सभा बनेगी, अभी तक तो देखो हम संविधान सभा की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये भी डिमांड कर दी कि जो हमारा संविधान होगा या संविधान सभा होगी, ये संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर होगी, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी हमारी संविधान सभा। ये 1936 के फैजपुर अधिवेशन में डिमांड करी गई, ठीक है। इसके बाद ये आप जो है, अब मेरी पिछली क्लास से मिल जाएगा आपको, जो मैंने आपको पढ़ा दिया हूं वहां से ये डेटा मिल जाएगा। तो 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाएगा, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया था, पहली बार अंग्रेजों ने, देखिए हम कब से डिमांड कर रहे हैं, देखो एक बार कब से डिमांड कर रहे हैं, कंटिन्यू देखो यहां से, एक सेकंड, यस, यहां से हम 1895 से कंटिन्यू ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1895 से हम कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं। 1895 के बाद यहां पर हम लोग देखेंगे कि 1916 में हमने स्वशासन की मांग करी, घरेलू स्वशासन की। 1922 में गांधी जी ने कहा कि संविधान बनना चाहिए, और संविधान ऐसा बनेगा जो भारतीयों की इच्छा से बनेगा।
1928 में नेहरू रिपोर्ट में हमने बना के ही दे दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। लॉर्ड बर्केनहेड ने बड़ा मजाक उड़ाया था, मैंने आपको ऑलरेडी कहानी बता दी थी इसकी, ठीक है। अब 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करी। 1930 में हमने स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया अपने आप से। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में हमने संविधान सभा के लिए कहा कि वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी हमारी संविधान सभा। तो अभी तक अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कहीं नहीं किया, हम तो लगातार मांग कर रहे थे, जैसे आप कई बार डिमांड करते रहते होंगे, पापा आईफोन चाहिए है, पापा बाइक चाहिए है, या लड़कियां भी कुछ डिमांड करती रहती होंगी, लेकिन पापा बहुत कम ही डिमांड को पूरा करते होंगे। कोई रेयर केस जब पापा को आपकी ज़रूरत आन पड़ेगी तो पापा आपकी जो है मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब जो है अंग्रेज़ों को यहाँ पर क्या है, अब भारतीयों की ज़रूरत आन पड़ी थी द्वितीय विश्व युद्ध में, उन्हें लग रहा था कि भारतीय यदि हमारा सपोर्ट कर देंगे तो हम आराम से द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे। इसलिए लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा ये जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया है साथियों, इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार किया। संविधान सभा की मांग अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया। देखिए डिमांड तो हम कंटिन्यू काफी समय से कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने स्वीकार कब किया, 1940 में। अच्छा, अंग्रेज बड़े चालू व्यक्ति थे, बड़े चालू थे, इतने चतुर व्यक्ति, इतना चतुर समूह कि उन्हें लगता था कि सामने वाला एकदम पागल है, सामने वाले को कोई ज्ञान ही नहीं है किसी चीज़ का। तो इन्होंने कहा कि देखो हम आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे, आपकी सभी मांग को पूरा कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त आप लोगों से है, एक शर्त बस हम आपसे रखेंगे, वो शर्त हमारी मांग मान लीजिए। तो भारतीयों ने कहा कि भाई बता दीजिए आपकी क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, हम देख लेंगे। तो लॉर्ड लिलिथगो ने अंग्रेजों की तरफ से कहा कि हम आपकी जितनी भी डिमांड हैं वो विश्व युद्ध के बाद पूरा करेंगे। द्वितीय जो विश्व युद्ध चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, इस वर्ल्ड वार में पहले आप हमारी सहायता कर दो, सैनिकों की सहायता, फिर हम आपकी मांग को पूरा कर देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो वही है, दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक कर पिएगी, हमें धोखा मिला था पहले विश्व युद्ध में, हमसे पहले विश्व युद्ध में भी बहुत लंबे लंबे प्रॉमिस किए गए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे। 1918 में जब वर्ल्ड वार रुका तो हमें तो केवल और केवल धोखा मिला था, तो हमने कहा कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, आप पहले हमारी मांग को पूरी कर दो, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपकी सहायता पूरी करेंगे। तो लॉर्ड लिलिथगो ने कहा कि नहीं भैया, हम आपको अभी पहले से आपकी मांग को पूरा नहीं करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके प्रस्ताव को अस्वीकार किया, बोले हम नहीं मानेंगे, आप जाइए। फिर 1942 में, 1942 में फिर से एक व्यक्ति को भारत भेजा जाएगा, फिर से भारतीयों को मनाने के लिए, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से। क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से फिर से भारतीयों को मनाने के लिए भेजा जाएगा, और कौन आएंगे, तो आएंगे सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, इनका ये पूरा नाम था सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। भेजा किसने है इनको भारत में, तो भेजने वाले व्यक्ति हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये भेजे गए थे, विंस्टन चर्चिल ने इनको भारत में भेजा, ठीक है। अब क्रिप्स प्रस्ताव आए, तो क्रिप्स प्रस्ताव ने कहा कि ठीक है हम आपकी मांगें पूरी करेंगे, हम आपकी जो भी डिमांड है उनको पूरा कर देंगे, लेकिन हमारी बातें सुन लो। इसमें कहा कि सभी को अधिकार होगा, क्या अधिकार होगा, संविधान बनाने का। इसका मतलब कि यदि कोई रियासतों का प्रतिनिधि है तो वो भी अपने लिए संविधान बना सकता है। एक रियासत मान लो भोपाल रियासत है तो वो अपने लिए अलग बनाएगी, एक जम्मू कश्मीर की रियासत है वो अपने लिए अलग संविधान बना सकती है, हैदराबाद रियासत है तो वो अपने लिए अलग बना सकती है, अवध रियासत है तो अपने लिए अलग बना सकती है। तो सभी रियासतों को जो है यहाँ पर अधिकार दे दिया कि भाई सब लोग अपना अपना संविधान बना पाएंगे। अब जैसे ही कांग्रेस को ये लगा कि यदि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा मान के हम चलेंगे कि सभी को अधिकार हो जाएगा अपने लिए अलग से संविधान बनाने का, अपने लिए अलग से शासन संचालन करने का, तो वो दिन दूर नहीं जब देश के
बंटवारे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा देश बट जाएगा। अभी तो पाकिस्तान की ही डिमांड चल रही है, फिर तो बहुत सारे देश के टुकड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई आपकी ये डिमांड हमें स्वीकार नहीं है, हम ये डिमांड आपकी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, ठीक है, जिस तरीके से आप कह रहे हो हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, लेकिन ये भी कब देंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। हमने कहा हमें ये भी स्वीकार नहीं है, गांधी जी से बातें हो रही थी, ठीक है। तो गांधी जी ने फाइनली इनकी सारी की सारी डिमांड्स को रद्द कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और इनके सभी प्रस्ताव को, सभी जो इनके द्वारा प्रस्ताव रखे जा रहे थे, जो ये हमारे वचन, जो हमें वचन दे रहे थे मांग पूरी करने का, तो गांधी जी ने इनके इन सभी प्रस्तावों को एक नाम दिया, पोस्ट डेटेड डेटेड चेक, या हिंदी में इसको बोलते हैं बाद की तिथि का चेक, बाद की तिथि का चेक, मतलब एक ऐसा चेक जिसका पता नहीं लोन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ऐसा चेक जो है नाम दिया था गांधी जी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को, और फाइनली क्रिप्स के प्रस्ताव भी रद्द हो गए, फेल हो गए। क्रिप्स का प्रस्ताव जैसे ही फेल होता है तो इधर 1945 में, देखिए 1942 के बाद 1945 में फिर से भारतीयों को एक किया जाएगा, फिर से भारतीयों की तो डिमांड चली रही थी कि भैया अब तो हमें आज़ादी चाहिए, अब तो हम लेकर रहेंगे आज़ादी, अब तो हमें संविधान सभा चाहिए, अब तो हमें संविधान भी चाहिए, अब तो हमारी सारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। तो भारतीय तो अपना डिमांड कर ही रहे थे, तो यहाँ पर एक अंग्रेज वायसराय हैं जिनका नाम है लॉर्ड बेबिल, लॉर्ड बेबिल ने 1945 में एक शिमला में सम्मेलन बुलाया, ठीक है, शिमला में सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में लगभग सभी दल पहुंचे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो कि महत्वपूर्ण दल थे ये भी पहुंचे। तो मुस्लिम लीग यहां पर अपना जो सिस्टम बोली, बोली देखिए ऐसा है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम जो भी कैंडिडेट होंगे उनका चयन केवल और केवल मुस्लिम लीग करेगी। मुस्लिम कैंडिडेट का चयन कौन करेगा, मुस्लिम लीग। इसी बात को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, और जो शिमला समझौता था, जो शिमला सम्मेलन हो रहा था, ये भी यहाँ पर रद्द होगा। और दोस्तों आप सुनिएगा दिल थाम करके, जैसे ये सम्मेलन रद्द हुआ, जैसे ये समझौता रद्द हुआ, स्पेशली मुस्लिम लीग को ये विश्वास हो गया, स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना को ये विश्वास हो गया कि अब भारत में हम अपने आप को सिक्योर तो नहीं कर सकते, अब हम भारत में, भारत से पाकिस्तान को तो नहीं ले सकते, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे सांप्रदायिक दंगे और पूरा भारत जल उठेगा दोस्तों। स्पेशली बंगाल और पंजाब में इतने भयंकर दंगे होंगे कि फाइनली लॉर्ड वेविल का पता नहीं चलेगा कि कब भारत को छोड़कर के ब्रिटिश संसद में पहुंच गए। इन्हें लगा कि इस दंगों में ऐसा नहीं कि हमारी भी कहानी निपट जाए, तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा वहाँ पर, तो ये पता ही नहीं चला यहाँ पर, और ये पहुँच गए सीधे ब्रिटेन की संसद में, उपस्थित हुए डायरेक्ट। वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर लोगों ने देखा, एकदम सरप्राइज हो गए कि भाई आप तो भारत के वायसराय थे, वहाँ से कैसे चले आए। बोले यार वहाँ की कहानी क्या बताएं आपको, यदि भारत में यहाँ से कोई भी गया जिंदा बच जाए बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा जैसे क्या हो, अंधेरी रात हो और कोई व्यक्ति बाहर जा रहा हो, आप में से आपका दोस्त बाहर से आए और आपको बताए कहीं पर कि यार मैं फला जगह गया था, इतना बड़ा कोई विशालकाय आकृति थी, बड़े बड़े उसके दांत थे, ये था वो था, आप डर जाओगे, है ना, बहुत हिम्मती होगी तब भी जो है थोड़ी बहुत तो डर लगेगा आपको रात में जब वहाँ से निकलोगे। मान लो आपका कोई गाँव है और गाँव में कोई ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बात बता दे, तो शायद आपके मन में जब वहाँ से निकलोगे एक बार दिमाग में आएगा कि यार यहीं पर बता रहा था कि वो बड़ी आकृति वाला जीव यहीं है, भूत है, चुड़ैल है, जो भी है, तो डर लगेगा फिर। तो यही चीज़ जब लॉर्ड वेविल ने बताया कि यार वहाँ तो जीवित रह पाना भी बहुत मुश्किल है। अब ब्रिटेन में जो ये लोग डिमांड करते थे कि हम भारत जाएंगे, वायसराय बनकर के यस करेंगे, पैसा लूटेंगे, पैसे पैसे पैसा ही पैसा होगा, तो वो जो पैसे ही पैसा होगा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर धरा का धरा रह जाएगा। पहली बार था साथियों कि ब्रिटेन की संसद से कोई भी तैयार नहीं हो रहा था भारत आने के लिए, वायसराय बनकर के कोई तैयार नहीं हुआ ब्रिटिश संसद से। अब जब ब्रिटिश संसद से कोई तैयार नहीं हुआ
तो ब्रिटेन की शाही परिवार से, ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली थी, उस रॉयल फैमिली में एक बिलोंग करते थे एक व्यक्ति जिनका नाम है लॉर्ड लुई माउंटबेटन। लॉर्ड लुई माउंटबेटन, ठीक है, ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन की शाही परिवार से बिलोंग करते थे। इन्होंने देशों को घूमना इनको बहुत अच्छा लगता था, इनको लगता था कि चलो घूमेंगे। भारत के बारे में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, तो इनको लगा कि चलो भारत जाने का मौका मिल रहा है तो चलो चलते हैं घूम लेते हैं भारत। और इन्होंने कहा, हाथ उठा दिया, बोले भैया हम जाएंगे वायसराय बनकर के भारत। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि हम जाएंगे, सब लोग इनको तरफ देखे, खुश हो गए कि चलो ठीक है कोई तो मिला। तो मार्च 1947 में ये भारत आए। क्या सोचकर आए थे कि भारत की स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जैसे ही भारत में आए, देखा कि अरे पूरा भारत जगह जगह दंगे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, दिमाग ख़राब हो गया इनका। बोले यार यहाँ तो खुद बच जाएं वो बहुत बड़ी बात है, लोगों को बचाने आए थे तो ये कुछ नहीं करेंगे। ये सीधे गए और दिल्ली में इन्होंने जितने भी भारतीय नेता थे सभी को बुलाया, ठीक है। जून की बात है साथियों, जून 1947 की बात है सबको बुलाया, बोले बताओ क्या चाहते हो। मुस्लिम लीग अपना बता रहे हैं, हम तो पाकिस्तान चाहिए, हम तो पाकिस्तान लेकर रहेंगे, जब तक पाकिस्तान नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे, बहुत सारी चीज़ें। कांग्रेस अपना अलग, मुस्लिम लीग अपना अलग, हिंदू महासभा अपना अलग, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स थी। माउंटबेटन ने सबको सुना, बोले ऐसा करते हैं भाई, ये जो हत्याएँ हो रही हैं इनको रोकना पड़ेगा, और जो डिमांड पाकिस्तान विभाजन की है स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत करी जिसे अपन 3 जून योजना के नाम से जानते हैं या माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। और ये माउंटबेटन योजना आई जून 1947 में। ये माउंटबेटन योजना में सभी जितने भी दल बैठे थे वहाँ पर, सभी दलों की स्वीकृति ली गई, सब लोग तैयार कर लिए, सब ने हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है हमें भी स्वीकार है माउंटबेटन योजना को लागू करो, 3 जून योजना को लागू करो। इस योजना को भेजा गया ब्रिटिश संसद में, ठीक है, कहाँ पर भेजा गया सर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में भेजा गया, ब्रिटिश संसद में भेजा गया। ब्रिटिश संसद ने इसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया। जो भारत विभाजन की योजना थी, 3 जून योजना जो प्रस्तुत की गई थी, इस योजना को पारित कर दिया गया 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। और जैसे ये पारित हुआ तो 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र अलग हो गए। मतलब एक ऑलरेडी जो भारत है, भारत तो भारत ही रहा, लेकिन भारत से एक नया देश बना, नया राज्य बना, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला, पाकिस्तान, ठीक है। तो एक नया देश बन जाएगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, और 15 अगस्त 1947 को बनेगा भारत। और इस तरह से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को सत्ता परिवर्तित हुई और देश आजाद हो गया। बजाओ सभी लोग ताली, एक दूसरे को बधाई दे दो, देश आज़ाद करा दिया हमने। पिछली क्लासेस जो वहाँ की वीडियो थी फैक्चुअल वाली क्लास, उसमें देश आज़ाद कराने में हमें लगभग 2-3 क्लास लग गई थी, इसमें हमने एक ही क्लास में करा दिया, ठीक है। और उम्मीद है कि मज़ा आया होगा। एक दूसरे को बधाई दो, मिठाई खिलाओ सबको। तो फाइनली हमारा देश आज़ाद हो गया 1947। लेकिन गंगाधर बोला, गुरुजी एक क्वेश्चन है अभी मेरा। मैंने कहा बोल गंगाधर क्या क्वेश्चन है, तो बोला गुरुजी ये बताओ, पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्र हुआ और हमारा देश 15 अगस्त को, ऐसा क्यों? मैंने कहा गंगाधर यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि सर माउंटबेटन जो थे उनको 15 तारीख से लगाव था, लगाव का मतलब वो विश्वास करते थे 15 तारीख में कि यदि 15 तारीख को कुछ होगा तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जैसे 15 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त होना और महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो माउंटबेटन को मिली थी वो 15 अगस्त के जीवन में ही मिली थी। तो उन्होंने कहा कि यार जो है 15 अगस्त का डेट जो है वो रखो, हम आपको 15 अगस्त को दे देंगे। तो एक तो ये होता है, दूसरा ये भी है। मैंने कहा गंगाधर एक दूसरा रीज़न ये भी है कि एक ज्योतिषी थे हमारे देश में, उन्होंने घोषणा करी थी कि जो भी देश 14 अगस्त को आज़ादी लेगा, जो भी देश 14 अगस्त को स्वतंत्र होगा, वो आगे चल के एक बार फिर से विभाजित होगा। तो फिर हमने कहा कि चलो अब ठीक है, जब 14 को आज़ादी लेना ही है तो एक दिन बाद ले लेंगे। हमने कहा 15 को ले लेते हैं, और हमने 14 तारीख की जैसी रात बीती, 11:59:59 के बाद जैसे ही 15 तारीख लगी, दिल्ली में लाल किले से हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
एक उद्घोषणा करी, एक संबोधन दिया देश के नाम। पहला स्वतंत्र भारत का पहला जो भाषण दिया गया था वो वहीं से दिया गया था, रात्रि 12 बजे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया सो रही है और भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रही है, भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। तो ये संबोधन 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में दिया गया था। और मैंने कहा इस तरीके से गंगाधर अपन को आज़ादी मिल गई। गंगाधर बड़ा खुश हो गया और ताली बजाने लगा, बोला गुरुदेव बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली। मैंने कहा गंगाधर अभी तो मैंने केवल संवैधानिक रूप से पढ़ाया है, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको रियलिटी समझ में आएगी कि कितना डिफिकल्ट था आज़ादी प्राप्त करना, कैसे हमारे 20-22 साल के उस समय के जो युवा थे वो अंग्रेज़ों से लड़े, उनकी हत्याएं हुई, उनको फांसी पर चढ़ाया गया, तब जाकर के आज़ादी मिली। गंगाधर को बात समझ में आई, बोला गुरुदेव मैं हिस्ट्री को पढ़ूंगा, बड़ा इंटरेस्टेड होकर पढ़ूंगा, क्योंकि आज मुझे आत्मज्ञान हो गया। मैंने कहा बिल्कुल गंगाधर पढ़ना। तो अब जो है गंगाधर बोला गुरुदेव ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी क्या? मैंने कहा अरे गंगाधर अब तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होनी है। बोला कैसे गुरुदेव? मैंने कहा आप बनेगी संविधान सभा की कहानी, ये तो संविधान सभा तक आने की कहानी थी ना। तो बोला हाँ गुरुदेव। मैंने कहा सुनो अब संविधान सभा की कहानी सुनो, संविधान सभा की क्या कहानी है। मैंने कहा संविधान सभा की डिमांड तो देखो कई बार हुई है, 1940 में फाइनली एक्सेप्ट हुई है लेकिन काम नहीं हुआ। तो मैंने कहा फाइनली जो औपचारिक रूप से संविधान सभा की जो मांग करी थी वो 1934 में करी थी। किसने करी थी 1934 में? मानवेंद्र नाथ राय, एमएन राय, इनके द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के डिमांड करी गई थी। और फाइनली 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कर दिया गया। ठीक है, तो जितने साथी देख रहे होंगे ना इस क्लास को, कहीं पर आपको ये नहीं लगा होगा कि सर आपने तो ये पूरा पढ़ाया है। हाँ ये जैसे मिला होगा कि कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन तो मिला होगा, लेकिन एक नए तरीके से पढ़ने को मिला होगा। और यही मेरी स्पेशलिटी है, खासियत है कि जब हम पढ़ेंगे तो जो जिस एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जिस लेवल पर होता है, हम उसी लेवल पर पढ़ते हैं। तो आप दोनों ही क्लास अटेंड करोगे, दोनों ही जगह दोनों ही प्रकार का फ़ायदा मिलेगा, दोनों ही प्रकार की क्लास में समझ डेवलप होगी, समझ विकसित होगी और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताते चलिएगा कि आपको ये हमारी क्लास का जो समझ है वो कितना आ रहा है, कितना आपके दिमाग में सारी कहानी बैठती चली जा रही है। ठीक है, क्योंकि यदि मैं आपको संविधान भी एक कहानी के माध्यम से पढ़ा पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि आपको समझ में आ रहा है। तो कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 में, और जुलाई 1946 में हमने इसका गठन किया। अगस्त 1946 में हमने संविधान सभा के लिए चुनाव कराया। चुनाव जो है हमने अप्रत्यक्ष रूप से कराया, इनडायरेक्टली तरीके से हमने चुनाव कराया। अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराया, अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए भी कराया क्योंकि जो राज्य विधानमंडल के सदस्य थे सर, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा जो है यहाँ पर वोट डाले गए थे। राज्य विधानमंडल के सदस्यों ने वोट डाला है, डायरेक्ट जनता ने वोट नहीं डाला है, इसीलिए इस चुनाव को हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, इनडायरेक्टली चुनाव कहते हैं, कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था। लेकिन सर एक चीज़ तो आपने बताया नहीं, कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था। हाँ सर, गंगाधर बोला हाँ सर 389, इतने सारे सदस्यों का। मैंने कहा गंगाधर क्वेश्चन बहुत करते हो यार। मैंने कहा थोड़ी सा रुक जाया करो, मैं सब बताऊंगा। तो गंगाधर शांत हो गया। मैंने कहा गंगाधर 389 सदस्यों में से 292 प्लस 4 सदस्य ये निर्वाचित हुए हैं,
ये हुए हैं निर्वाचित, और मैंने कहा कि 93 सदस्य हुए हैं मनोनीत। तो मैंने कहा गंगाधर बताओ कितने सदस्यों का चुनाव हुआ, कितने सदस्य चुनाव के माध्यम से संविधान सभा में बैठे। गंगाधर ने तुरंत जोर लगाया, बोला गुरुदेव 296 सदस्य जो है संविधान सभा में चुनाव के माध्यम से आए और 93 सदस्य गुरुदेव मनोनीत किए गए। मैंने कहा इसको मनोनीत किसने किया है, तो बोला गुरुदेव ये तो आप ही बता दो। मैंने कहा देशी रियासतों के राजाओं ने। मैंने कहा ये जो देशी रियासतों के राजा थे इन राजाओं के द्वारा ही 93 सदस्यों को मनोनीत किया जाना था, किसी और को मनोनीत नहीं करना था। जो देशी राजा होंगे वो अपने हिसाब से तय करेंगे कि कौन संविधान सभा में जाएगा, कौन उनके राज्य का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में करेगा। तो इस तरीके से 292 प्लस 4 सदस्य और 93 सदस्य ये मनोनीत सदस्य होंगे। अब यहाँ पर देखो गंगाधर की तो आदत ही है क्वेश्चन करने की, उसने फिर से मुझसे क्वेश्चन किया, बोला गुरुदेव ये चार अलग क्यों लिख दिए, 296 तो जैसे मैंने बोल दिया कि 296 हैं, तो आपने ये 292 प्लस 4 क्यों लिखा। मैंने कहा गंगाधर सुन लो, 292 जो सदस्य हैं ये ब्रिटिश प्रांतों से हैं, ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य हैं, और जो चार सदस्य हैं वो चार चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से हैं। चार चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से होंगे, कौन कौन से चार चीफ कमिश्नर क्षेत्र होंगे, तो चार चीफ कमिश्नर क्षेत्र हैं, एक तो है आपका दिल्ली, दिल्ली यही वाला दिल्ली, ठीक है, जो हमारे देश की राजधानी है। दूसरा चीफ कमिश्नर क्षेत्र होगा कुर्ग, कुर्ग कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक में। तीसरा अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ेगा, लेकिन अजमेर और मारवाड़ बदलता रहता था ये, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो जैसे गर्मी अजमेर में ज़्यादा पड़ी तो मारवाड़, और मारवाड़ में गर्मी ज़्यादा पड़ी तो अजमेर, तो बदलते रहते थे अजमेर और मारवाड़। और चौथा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। राजस्थान, तो दिल्ली यही है भारत की राजधानी, कुर्ग कर्नाटक में, अजमेर मारवाड़ राजस्थान, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ेगा। तो मैंने कहा आ गया समझ में, गंगाधर खुश हो गया, बोला गुरुदेव एकदम समझ में आ गया, और ना केवल समझ में आया गुरुदेव लेकिन मज़ा भी आ गया पढ़ने में। मैंने कहा बस गंगाधर ऐसे ही मेहनत करो, मैं भी ऐसे ही मेहनत करूँगा आपके साथ, और हम लोग इतिहास रच देंगे। तो आज का लेक्चर सुनने के बाद गंगाधर को भयंकर तरीके से मोटिवेशन आ गया, बोला गुरुदेव अब तो मैं रोज़ इस क्लास में आऊँगा, बस मुझे टाइम बताते जाना गुरुदेव कि ये क्लास कब होगी। मैंने कहा गंगाधर परेशान नहीं मत हो, आपको हमारे चैनल में जुड़ जाना है, आपको टाइम टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बस ये लाल बटन दबा देना है हमारे चैनल का, सब्सक्राइब वाला बटन, और ऑल पर क्लिक कर देना है, आपके पास पूरा डिटेल पहुँचेगा प्रत्येक क्लास का, पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी प्रत्येक क्लास की। खुश हो गया। फिर मैंने उसको समझाया कि यदि हमें मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, तो हम ना केवल UPPCS की तैयारी कर पाएंगे, बल्कि हम जितना भी स्टेट PCS है उसकी भी पूरी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। हम PCS लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कंडक्ट, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी की भी तैयारी कर पाएंगे। जैसे जो री एग्ज़ाम होने वाला है आपको, आपका समीक्षा अधिकारी का, सहायक समीक्षा अधिकारी का, और जो आपका डेट बढ़ा दिया गया है PCS का, तो इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा इस क्लास को करने के बाद। और चूंकि जो पढ़ाने का आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम किस तरीके से एकदम सरल वे में पढ़ रहे हैं, तो सबको समझ में भी आ जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो आप सभी से, मेरा अब गंगाधर से नहीं है, मेरा आप सभी से जो है निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और प्रयास करिएगा साथियों कि आप अपने तरीके से नोट्स को बनाएं, और जैसे मैंने आपको एक कहानी नुमा पूरा पढ़ाया है आज का लेक्चर, ऐसे ही आप लोग भी बहुत बड़े बड़े डेट नोट मत भरिए अपनी कॉपी के, एकदम शॉर्ट नोट बनाइए, सरल नोट बनाइए, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए तो आपको एक टाइम मिल जाए कम समय में बहुत सारा डेटा अचीव करने का।
क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और हमारे पास समय बहुत कम है। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेहनत करते रहो और एकदम स्मार्ट मेहनत करो। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, भी आप सभी के साथ में, और मैं भी मेहनत करूँगा, आप भी मेहनत करेंगे, हमारी पूरी रिजल्ट मित्र टीम मेहनत करेगी, तो फाइनली हम सफलता के द्वार तक पहुँचेंगे। सफलता निश्चित तौर पर हमें मिलेगी मिलेगी और गले से लगा लेगी। तो सभी दोस्तों से विदा लेते हैं, नमस्कार, फिर से आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।